हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट लर्निंग वर्ल्ड। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एनटी यूजीसी नेट पेपर वन फ्रॉम द यूनिट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ उस क्वेश्चन का जो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा था हमारे पिछले वाले वीडियो में, जो था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। तो क्वेश्चन था हमारा कि कौन से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का पार्ट नहीं है। तो चार ऑप्शन थे आपके पास, एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, लाइफ बिलो वाटर, इम्प्रूव मेटरनल हेल्थ एंड इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइफ बिलो वाटर एंड इनोवेशन, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पार्ट है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो हम आज भी पढ़ेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर बी एंड डी हो जाएगा। बी एंड डी पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एंड ए एंड सी यहाँ पर पार्ट है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये क्या हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट इन 2015। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया गया था 2015 में टू प्रोवाइड अ शेयर ब्लूप्रिंट फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड प्लैनेट नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पीपल एज वेल एज प्लैनेट दोनों को कवर किया गया है और बात करी गई है नाउ एंड इनटू द फ्यूचर की। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट नीड्स की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर नीड्स की बात भी कर रहे हैं। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें हम यूज़ इस तरह से करना है कि हम भी उनको अच्छे से यूज़ कर सकें और जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को भी हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यही बात इन गोल्स में करी गई है कि हमें इस तरह से चलना है कि हम अपनी और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को यहाँ पर पूरा कर सकें। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हुई है कि कितने गोल्स हैं, ये 17 गोल्स हैं जिनमें 169 टारगेट्स हैं और 304 इंडिकेटर्स हैं जो हमें अचीव करने हैं 2030 तक। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, 15 ईयर्स के लिए ये गोल्स बनाए गए हैं, 15 ईयर्स के टाइम फ्रेम है जिनमें इनको अचीव किया जाना है। 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं एंड 304 इंडिकेटर्स हैं। तो बिल्कुल आप इन्हें याद रखिएगा और इसे हम ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड पे क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा एजेंडा 2030 जो है ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड, इट्स रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। द मेन पर्पस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड एनश्योर द ग्लोबल वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग। तो ये इसका मेन पर्पस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। टोटल 17 गोल्स हैं हमारे पास, 17 के 17 गोल्स आपको पता होने चाहिए और स्पेसिफिक ऑर्डर में आपको ये पता होने चाहिए क्योंकि ऑर्डर भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर, तो उन सभी को हम डिटेल में आपको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ किस किस बारे में ये गोल्स हैं। तो पहला गोल है एंड पॉवर्टी। तो यहाँ पर कहा गया है कि पॉवर्टी को हमें ख़त्म करना है इन ऑल फॉर्म्स फ्रॉम ऑल द एरियाज। जितने भी हमारे एरियाज हैं सभी से हमें पॉवर्टी को बिल्कुल एंड कर देना है, ख़त्म कर देना है और लोगों को यहाँ पर पॉवर्टी फ्री करना है। सेकंड है जीरो हंगर। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाना भी खाने के लिए दो वक्त का यहाँ पर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर जीरो हंगर की बात करी गई है कि 2030 तक हमें वर्ल्ड लेवल के ऊपर जीरो हंगर को अचीव करना है। और हंगर को, जीरो हंगर को ही अचीव नहीं करना, साथ साथ में हमें फूड सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना है। तो अगर हमें हंगर, जीरो हंगर को अचीव करना है, सभी को प्रॉपर फूड प्रोवाइड करवाना है, तो फूड सेफ्टी भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो फूड सेफ्टी की बात भी यहाँ पर करी गई है और न्यूट्रिशन की बात भी करी गई है कि हमें लोगों को प्रॉपर खाना मिले, खाना कैसा मिले, पूरा न्यूट्रिशन वाला मिले कि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसकी होनी चाहिए। तो इसलिए एंड पॉवर्टी और जीरो हंगर यहाँ पर फर्स्ट सेकंड गोल यहाँ पर है। थर्ड है हमारा गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करवानी है सभी को, फॉर ऑल द पीपल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजेस एंड जेंडर्स। तो यहाँ पर हेल्थ, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवाने की बात करी गई है सभी को, फॉर ऑल द पीपल एट ऑल द एजेस। नेक्स्ट हम बात करें क्वालिटी एजुकेशन की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आपको ये गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वालिटी एजुकेशन की यहाँ पर बात करी गई है, इसमें एक वर्ड आता है इन
इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है लीविंग नो वन बिहाइंड। तो हमें इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, ये यहाँ पर बात करी गई है। और यहाँ पर बात करी गई है कि हमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड सभी को करवानी है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इन देयर 30s 40s और 50s जो स्कूल और कॉलेज से निकल चुके होते हैं लेकिन स्टिल अभी भी लर्न करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर हों और वो क्वालिटी वाली एजुकेशन हो, ये यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की बात करी गई है। सभी को एजुकेशन हमें प्रोवाइड करवानी है, लीविंग नो वन बिहाइंड का यहाँ पर हमारा एजेंडा है और इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, ये यहाँ पर बात करी गई है। इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की। तो जेंडर इक्वालिटी को भी अचीव करने की बात करी गई है, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर जेंडर को प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वर्क में हो, हर जगह में हमें जेंडर इक्वालिटी मेंटेन करनी है और सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी है, ये यहाँ पर कहा गया है। वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल्स को एम्पावर करने की बात फिफ्थ गोल में करी गई है। नेक्स्ट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो क्लीन वाटर यहाँ पर होना चाहिए और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, ये बात यहाँ पर करी गई है। और क्लीन वाटर के साथ साथ हमें वाटर मैनेजमेंट अच्छे से करनी है। जो हमारा वाटर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमंस के लिए और हमारे अर्थ के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिसोर्स है, तो इसे हमें वेस्ट नहीं करना है, पॉल्यूशन से बचाना है और ग्राउंड वाटर को भी अच्छे से कंजर्व करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर की बात करी गई है सिक्स्थ गोल में और इसे बिल्कुल हमें क्लीन रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्री में, हमारे घरों में, डेली लिव्स में, हमारे नीड्स को पूरा करने के लिए। तो जो एनर्जी है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, यानी कि जो भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करें वो अफोर्डेबल हो, हमें कम से कम कॉस्ट उसकी पड़े और क्लीन हो, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम हम यूज़ करें, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर करी गई है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सभी को डिसेंट वर्क प्रोवाइड हमें करवाना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर करनी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहा गया है कि सस्टेन्ड होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए और सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी कि सस्टेन्ड का मतलब अगर हम कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो सस्टेन रहनी चाहिए लंबे टाइम तक। इसके साथ इंक्लूसिव होनी चाहिए, यानी कि हमें इन ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ में डेवलपमेंट करनी है, प्लस यहाँ जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं उन सभी में हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए वन और टू सेक्टर्स तक, और साथ में सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी कि जो भी हम डेवलपमेंट करें अपने लिए भी करें और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को छोड़ें। इसी के साथ इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है। तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हम कर रहे हैं वो इस तरह से करना है कि हमारा एनवायरनमेंट भी डिप्लीट ना हो, हम रिसोर्सेज को पूरी तरह से ख़त्म भी ना कर सकें कर दें, और जो हमारा इनोवेशन है जो भी हम कर रहे हैं तो हमें इनोवेशन अच्छे से करनी है, जो भी हम इनोवेशन कर रहे हैं वो सभी के अच्छे के लिए होनी चाहिए और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ावा दे रहे हैं वो हमें सस्टेनेबल वे में करना है ताकि हम अपने नीड्स को और फ्यूचर जनरेशन दोनों की नीड्स को यहाँ पर पूरा कर सकें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। तो अभी भी वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इनइक्वालिटीज़ देखी जाती हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से, जेंडर के बेस के ऊपर, कास्ट के बेस के ऊपर, रिलीजन के बेस के ऊपर। तो उन सभी तरह की इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना है, ये यहाँ पर कहा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। किसी भी तरह की कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सभी को बराबर नज़र से देखा जाना चाहिए, इसको भी अचीव करने की बात करी गई है। नेक्स्ट फ्रेंड्स 11th गोल की बात करें तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो देखिए इसका क्या मतलब है, सस्टेनेबल सिटीज़ का मतलब है जो हम अपनी सिटीज़ बना रहे हैं, जो कम्युनिटीज़ बना रहे हैं वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। हम अपनी सिटीज़ को बना रहे हैं तो उन्हें इस तरह से बनाएं कि वो सेफ हों हमारे लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, रेजिलिएंट हों और सस्टेनेबल हों। तो इंक्लूसिव सिटीज़, इंक्लूसिव एंड सेफ सिटीज़ बनाने की बात करी गई है। तो जो हमारी सिटीज़ हैं वो हम तो उनमें अच्छे से रह सकें, वो लिवेबल हों और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आए उनके लिए भी वो जीने लायक रहें, इसके लिए यहाँ पर बात करी गई है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो हम बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, बहुत सारी प्रोडक्शंस करते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, यानी कि जो भी हमारे इनपुट फैक्टर्स हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हमें रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है और जो भी हम कंजप्शन कर रहे हैं वो भी रिस्पॉन्सिबली होनी चाहिए, वेस्टेज को हमें कम से कम यहाँ पे करना है। एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो फ्रेंड्स क्लाइमेट चेंज आज की डेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हमें देखने को मिल रही हैं, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर एक्शन लेना है। क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट है उसे हम कम से कम कर सकें और इस अर्थ को एक अच्छी जगह बना सकें रहने के लिए, ये
बात करी गई है एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी जो मदर अर्थ है उसके जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होने लगेंगे, इसे हमें बचाना है, ये एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज में बात करी गई है। अगर हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर अच्छे से एक्शन नहीं लेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो प्रॉपर एक्शन लेना है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ये 13th गोल में बात करी गई है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है ये, आपको यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा। लाइफ बिलो वाटर की हम बात करते हैं, लाइफ बिलो वाटर में जो हमारा मैरीन इकोसिस्टम है उसे कंजर्व करने की बात करी गई है। तो बहुत सारे हमारे जीव जंतु हैं, स्पीसीज हैं जो वाटर के नीचे रहते हैं, तो जब वाटर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें हम पोल्यूशन जो भी विषैले उसमें जो भी सब्सटेंस होते हैं वो हम डाल देते हैं पानी में, तो जो लाइफ है वाटर के नीचे वो डेंजर में आ जाती है। तो जो भी हमारे स्पीसीज वाटर के नीचे रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें भी हम कंजर्व कर सकें, ये यहाँ पर लाइफ बिलो वाटर वाले गोल में कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ ऑन लैंड की। तो लाइफ ऑन लैंड में हमारी कंप्लीट मदर अर्थ को कंजर्व करने की बात करी गई है। तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अर्थ के ऊपर जिन्हें हमें बचाना है, जैसे हमारे फॉरेस्ट्स हैं, तो हमें एफॉरेस्टेशन करनी है, डीफॉरेस्टेशन को रोकना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं ताकि हम अपनी मदर अर्थ को पूरा ग्रीन बना सकें। इसके साथ जो बायोडाइवर्सिटी है उसे कंजर्व करना है, जो भी स्पीसीज हैं उनको कंजर्व करना है, और इसके साथ साथ जो डेजर्टिफिकेशन होती जा रही है उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के रोकना है, ये लाइफ ऑन लैंड में कही गई हैं। तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज लैंड के ऊपर हैं हमें उन्हें कंजर्व करना है, कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान देना है और उन्हें रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है। नेक्स्ट है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। तो फ्रेंड्स, इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाने की बात करी गई है जो पीस और जस्टिस को इंश्योर कर सकें, वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक पीस हो और सभी को जस्टिस हम प्रोवाइड करवा सकें, कोई इनजस्टिस ना हो और पूरे वर्ल्ड में हम एक तरह से पीस मेंटेन कर सकें ताकि सभी पीसफुली रह सकें, ये 16th गोल में बात करी गई है। एंड लास्ट गोल है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। तो पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स का मतलब है अगर हमें गोल्स को अचीव करना है तो वेरियस पार्टनरशिप्स हमें करनी पड़ेंगी, एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, दो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, तो ये सारी की सारी पार्टनरशिप्स हमें करनी है ताकि हम इन अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं उन्हें हम अचीव कर सकें। तो ये थे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो 17 के 17 गोल्स आपको पता होने चाहिए, इन्हें आप बार बार स्टडी करें ताकि आपको यहां पर ये याद रह सकें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहां पर मेन यहां पर इनके जो गोल्स हैं वो भी बता दिए कि किस चीज़ से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इस तरह के और भी लर्निंग वीडियोज आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग।